उषा जी कानपुर से। राधे राधे। महाराज जी मैं नाम जप करती हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप कट रहे हैं? जब हृदय में कोई चिंता न रह जाए, कोई शोक नहीं, कोई संताप नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, आंखों से आंसू है, मुख में नाम है, हृदय में भगवान का ध्यान है, उस समय जान लेना आप निष्पाप हो गए हैं। जिस समय हृदय में भगवान का ध्यान हो, आंखें अश्रु से भरी हो, शरीर में रोमांच है, सा तरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जब ऐसी पुलकित अवस्था होती है तो उससे लोक का लोक पावन करने की सामर्थ्य जाए, तब जाना जाए कि निष्पाप। जब सामने भगवान की छवि है, रोमांच हो रहा है, अश्रु प्रवाह, गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन, तब निष्पाप होता है। निष्पाप होने के तो और भी साधन है, लेकिन पाप प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जैसे हाथी का स्नान हुआ, फिर वो सूंड से मिट्टी डाल लिया, तो स्नान का फल क्या हुआ? तीर्थ यात्रा आदि करके पाप नष्ट किए और फिर पाप कर लिए, तो फायदा क्या हुआ? भजन से पाप प्रवृत्ति नाश होती है, नाम जप करने से अनर्थों का नाश होता है और अनर्थ कराने वाली जो मूल प्रवृत्ति है उसका भी नाश हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भय, यह है प्रेम पहचान। हमारी भक्ति जब रंग लाएगी तो सब पाप सब नष्ट हो जाएंगे, पाप ताप सब हृदय आनंद में भर जाएगा, तब समझना चाहिए अब मैं निष्पाप हो गया हूँ। राजकुमार जी फतेहपुर। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अलग अलग भगवान की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं? पूजा तो भगवान की हो रही, 10 जगह करो या 1 जगह करो या 10,000 जगह जाके करो, तत्व तो वही है, भगवान तो वही है ना। तो देख रहा है 10 रूपों में पूजा हो रही, ये सब रूपों में भगवान आए, तो अब चाहे दुर्गा देवी, भगवान शिव, या जो रूप मान के पूजो या इन रूपों को मान के पूजो, जब हम माटी की या पाषाण की या अष्ट धातु की या काष्ठ की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो फिर इन रूपों में भगवान तो है, चल फिर रहे हैं। तो हम कहीं भी पूजन करें वो भगवान में ही पूजन होता है। जैसे हम कहीं भी, वो हमारा आधार पृथ्वी है, ऐसे सब रूपों का आधार भगवान है। वही समझ पा रहे बात? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सीय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे सिया राम सब रूपों में, सबको प्रणाम करता। तो तुम तो 8-10 रूपों की बात कह रहे हो, 8-10 भगवान की बात कह रहे हो, ये सब भगवान अमित रूपों में भगवान है। हम जहां भी पूजा करेंगे भगवान के भाव से, वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन हुआ, भूत में भगवान का दर्शन हुआ, एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा। चराचर जगत भगवान है, बस देखने की आंख होनी चाहिए। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। अगर हम भगवान की भावना करके किसी कुत्ते को भी रोटी खवा रहे हैं तो उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के रूप तो भगवान है ही, और भी जीव जंतुओं के चराचर रूप में भगवान है। वो एक है पर अनेक रूपों में खेल रहा है, हमको ये ध्यान रखना है। वही अम्बा है, वही पिता है, दूसरा कोई नहीं। वही परमात्मा जगदम्बा बना हुआ है, वही परमात्मा शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही सिया बना हुआ है, वही स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, वही जड़ बना हुआ है, वही चैतन्य बना हुआ है। नहीं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, सब भगवान ही है। हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। भावना पवित्र नहीं है तो भगवान की पूजा से आपको भगवान की माया मिल सकती, भगवान नहीं मिल सकते। भावना पवित्र है तो भगवान मिलेंगे। अब जैसे कोई है लाखों रुपया का छत्र चढ़ावे अहंकार करके, तो भगवान उसके कई गुना उसको संपत्ति दे देंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। और दैन्य होकर बाजरे की रोटी का भोग लगाया, धन्ना जाट ले, तो भगवान
प्रकट होके पाले। दैन्य होकर सुदामा के तंदुल भगवान ने, सबरी के भेर भगवान पाए। अहंकार कर ले तो फिर, पर भगवान में की हुई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे जिस भाव से करो। तो अगर माया चाहिए तो मायापति हैं, अगर उनकी भक्ति चाहिए तो फिर दैन्य होकर भगवान की आराधना। प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं होता है। जब प्रेम होगा तो फिर एक में आ जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का प्रेम केवल माता काली में था, उन्हीं में सबके दर्शन करते थे। गोस्वामी जी का सियाराम में था, गोपीजनों का श्याम में था, जित देखो तित श्याम में। तो जब तक हमारा प्रेम नहीं होता तब तक ये साधना है, साधारण भक्ति। जब असाधारण भक्ति आएगी तब फिर बात आ जाएगी। फिर अपने प्रीतम का जो रूप चयन किया है उसी रूप के अलावा फिर और नहीं पसंद आएगा। समझ रहे हो? हाँ।